Good morning, students. In my previous video, I have explained to you about the structural defense, by, structural defense by the host against pathogen. Okay. In addition to various structural defense mechanisms, the plants possess certain metabolic processes in their cells which impart resistance to them against pathogen attacks. This type of defense adopted by the plants is called biochemical defense. It consists of presence or absence of a particular chemical substance or group of substances in a host plant, which interfere with the growth and multiplication of the pathogen and stop the infection. इसका क्या मतलब है कि कुछ इस तरह से केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं या ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि किस क्या किसके साथ इंटरफेयर करते हैं या वो या तो वो पैथोजन की ग्रोथ को या उसके मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं स्टॉप चेक कर देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन नहीं फैलता These biochemical uh, defense mechanism it is genetically controlled phenomenon and is always present in the plant cells however biochemical defense may exist in the plants इवन बिफोर द अटैक बाय द पैथोजन दैट मीन्स वो पहले से भी प्रेजेंट रह सकते हैं और इट मे अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द होस्ट एंड द पैथोजन आफ्टर द अटैक बाय द प्लांट दैट मीन्स बायोकेमिकल डिफेंस भी स्ट्रक्चरल डिफेंस की जैसे या तो पहले से प्रेजेंट हो सकते हैं या एज अ रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ द पैथोजन उसके बाद वो अपीयर होते हैं इसी के बेसिस पे दे आर टू टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल डिफेंस ऑपरेटिंग द प्लान्ट प्री एक्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस एंड पोस्ट इन्फेक्शन या इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं ओके नाउ विल डिस्कस वन बाय वन सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे इनिबिटर्स रिलीज इन प्री पेनेट्रेशन स्टेज मतलब प्री पेनेट्रेशन हम आपने पैनेट्रेशन पढ़ावाई है तो उसके उस टाइम पर कौन से इनिबिटर्स रिलीज़ होते हैं देन सेकेंड लैक ऑफ न्यूट्रियट्स एसेंशियल फॉर द पैथोजन यदि न्यूट्रिशन नहीं होएगा पैथोजन के लिए तो भी हम उन्हें स्टॉप कर सकते हैं उनकी ग्रोथ को एंड देन थर्ड एब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन इन होस्ट प्लांट ओके एंड पोस्ट इन्फेक्शन बायोकेमिकल डिफेंस में हम पढ़ेंगे फिनॉलिक कंपाउंड्स फाइटो

plant exudes organic substances through above ground parts that is phyllosphere and roots that is rhizo, uh, that is rhizosphere example fungi static chemicals released by tomato and sugar beet prevent germination of botrytis एंड सर्कोस्पोरा इसके क्या एग्जांपल हैं बॉटराइटिस और सर्कोस्पोरा के जर्मिनेशन को कौन के अंदर टोमेटो और शुगर बीट के अंदर ये क्या रिलीज़ होता है फंजी स्टैटिक केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि बोटराइटस और सरकोस्पोरा जो फनजय हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं रोकते हैं देन फिनोलिक्स लाइक प्रोटोकैटेचुक एसिड एंड कैटेकॉल इज स्केल ऑफ रेड इन द स्केल ऑफ रेड ऑनियंस ये कहाँ पे मिलते हैं रेड ऑनियंस के स्केल में इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ कॉलेटोट्राइक ऑन रेड ऑनियन सरफेस ओके ये आपको डायग्राम दे रखें ये ऑनियन का और ये टोमेटो का नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ सेवरल फिनॉलिक्स टैनिन फैटी एसिड्स लाइक कंपाउंड सच एज डाइन इन सेल्स ऑफ यंग फ्रूट्स leaves or seeds afford them resistance to botrytis. then several other compounds like saponin tomatin in tomato and avinacin in oats have antifungal activity uh, chitinase enzyme secreted by the host cell degrade cell wall of fungi this saponin ka yaha par de rakha ka structure and this is tomatin lack of nutrients essential for the pathogen प्लांट प्लान्टराइटी और स्पीशीज विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ़ द केमिकल्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ़ द पैथोजन एक्ट एज रेजिस्टेंट वेराइटीज मतलब वो वेराइटीज़ जो कि ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती जो कि पैथोजन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है वो वैराइटीज़ क्या कहलाती है? रेजिस्टेंट हैं रेजिस्टेंट वैराइटीज़ एग्जाम्पल अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सीडलिंग वैराइटीज़ ऑफ ससेप्टेबल टू राइजॉक्टोनिया इनिशिएट हाइफे कुशन फॉर्मेशन फ्रॉम विच फंगस एंड पेनेट्रेशन हाइफे इनसाइड द होस्ट प्लांट। वहन दिस सब्सटेंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन हाइफल क्वेश्चन आर नॉट फॉर्म एंड द इन्फेक्शन डज नॉट अकर मतलब जो ससेप्टेबल वैराइटीज़ हैं उसके अंदर क्या होता है कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जो कि रेजोक्टोन के हाइफे को पेनिट्रिट होने देता है यदि और रेजिस्टेंट वैराइटीज के अंदर वो सब्सटेंस नहीं होता है एबसेंस ऑफ कॉमन एंटीजन इन होस्ट प्लांट

नाउ पोस्ट इन्फेक्शन बायोकेमिकल कंपाउंड्स अब अब हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन होने के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है उसमें सबसे पहले हैं फिनॉलिक कंपाउंड्स द मेन इन्हीबिटरी सब्सटेंस दैट आर सिंथेसाइज बाय द प्लांट सेल्स और टिश्यूज इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी आर द फिनॉलिक कम्पाउंडस सिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड टेक्स प्लेस थ्रू एसिटिक एसिड पाथवे और शिकुमिक एसिड पाथवे देयर आर सम कॉमन फिनोलिक कंपाउंडस दैट प्री एग्जिस्ट इन हेल्दी प्लांट्स बट देयर सिंथेसिस और एक्यूमलेशन इज एक्सीलरेरेटेड वेन द हेल्दी प्लांट्स गेट्स इन्फेक्टेड बाई अ पैथोजन मतलब कुछ फिनोलिक कम्पाउंडस हैं वो प्री एग्जिस्ट करते हैं मतलब पहले से होते हैं हेल्दी प्लांट्स के अंदर पर उनका जो सिंथेसिस है या एक्यूमलेसन है वो एक्सीलरेटेड हो जाता मतलब इंक्रीज हो जाता है बढ़ मतलब जाता है जबकि हेल्दी प्लांट्स इन्फेक्ट में इन्फेक्शन होता है किसी भी पैथोजन के द्वारा दीज इंक्लूड क्लोरोजेनिक एसिड कैफिक एसिड एम्बेलीफेरॉन ऑर्थोडाइफेनॉल्स, स्कोपोलेटिन आइसोकोमरिन एक्सेट्रा ओके सो वैन ए पैथोजन इन्फेक्ट्स द प्लान्टर एक्सीट द सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड एडजस्टेंट टू द इन्फेक्शन और और इट एक्सीलरेट्स द फ्लो ऑफ प्री एग्जिस्टिंग अमाउंट फ्रॉम हेल्दी टिश्यूज़ टू द इन्फेक्टेड वंस दैट मीन्स जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन की वजह से जो फिनॉलिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन है वो एक्सीलरेट हो जाता है या जो ऑलरेडी प्रेजेंट कंपाउंड्स हैं वो किधर मूव करना शुरू कर, कर देते हैं फ्रॉम हेल्दी टिश्यूज़ टू द इन्फेक्शन टिश्यूज़ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं okay these phenolic compounds are produced at much higher rate in resistant varieties than in the susceptible variety. varieties. phenolic compounds hai, wo resistant varieties can as compared to the susceptible varieties now next is phytoalexins in contrast to common phenolic compounds which pre-exist in healthy plants in certain amounts there are some phenolic compounds

और उसमें से कुछ नॉन फिनोलिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो कि प्री एग्जिस्ट नहीं करते और उनका सिंथेसिस कैसे होता है डी नोविन्स तभी के तभी उनका सिंथेसाइज़ होता है किसके रेस्पॉन्स में इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में या भी किसी भी फिजोलॉजिकल स्टेमुलाई के रेस्पॉन्स में, में हो सकता है या किसी इंजरी के रेस्पॉन्स में हो सकता है ओके तो दिस कंपाउंड जो कि जिनका डिनोवो सिंथेसिस होता है वो कहलाते हैं फाइटो ओके इनका क्या है ये लो मोलिकुलर वेट के होते हैं लाइपोफिलिक होते हैं एंड दे आर सिंथेसाइज बाय एंड एक्यूमेलेटेड इन द प्लांट्स और इसकी खोज किसने की थी मुलर एंड बॉर्जर नाइनटीन फोर्टी फर्स्ट टाइम यूज दिस टर्म दैट इज फाइटो एलेक्न दिस आर टॉक्सिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दैट आर प्रोड्यूस डी नो इन प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू इंजरी इनफेक्शियस एजेंट्स और दियर प्रोडक्ट्स एंड फिजियोलॉजिकल स्टेमुलाए ऑल फाइटो एलेक्स आर लाइपोफिलिक कंपाउंड एंड वी आर फर्स्ट डिटेक्टेड आफ्टर द स्टडी ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस के अंदर जब फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस के स्टडी कर रहे थे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के साइंटिस्ट तब उन्होंने इस फाइटो एलेक्जेंड की खोज की जब उन्होंने पोटैटो को इसके ए जो फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस का ए स्ट्रेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वॉट इज ए एंड विरुलेंट तो जब उन्होंने ए फिरेंट स्ट्रेन से पोटैटो को इन्फेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने वापस से विरुलेंट स्ट्रेन से उसको इन्फेक्ट किया पोटैटो को तो डिजीज डेवलपमेंट नहीं था दैट मीन्स जब एवोलेंट स्ट्रेन से उन्होंने जब उसको इन्फेक्ट किया तो जो फाइटो से वो अंदर प्रोड्यूस हो गए डेवलप हो गए और बाद में जब विरुलेंट स्ट्रेन से उनको इन्फेक्ट किया गया तो इन्फेक्शन नहीं हुआ एंड फाइटो एलेक्न टर्म कहाँ से आई फाइटो मीनस प्लांट एंड एलेक्ट प्रोटेक्टिंग सब्सटेंस दैट क्या दे आर द प्रोटेक्टिंग सब्सटेंस ऑफ अ प्लांट मेटाबोलाइट्स ऑफ द होस्ट प्लांट इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द पैथोजेंस मैम्रेन रिजल्टिंग इन द सीक्रेशन ऑफ फाइटो एलेक्टिन एलिसिटर्स फ़ाइटो एलेक्स आर कंसिडर टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ द पैथोजन बाई ऑल्टरिंग प्लाज्मा मैम्ब्रेन एंड इनिबिटिंग ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइजेशन अभी जो फाइटो एलेक्स सीक्रिट तो हो गया पर ये काम कैसे करते हैं ये क्या करते हैं पैथोजे वो जो पैथोजन की है उसकी प्लाज्मा मैम्ब्रोन को ऑल्टर कर देते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फ्रालाइजेशन को क्या करते हैं इनहिबिट कर देते हैं दीज आर आइडेंटिफाइड इन वाइड वेराइटीज ऑफ सोयाबीन पोटैटो स्वीट पोटैटो बार्ले कैरट कॉटन मतलब बहुत सारे प्लांट्स के अंदर है. को आइडेंटिफाई किया गया है यह एक लिस्ट है फाइटो की फाइटो के ऊपर कई मतलब मोस्टली आता ही आता है शॉर्ट नोट तो आपको कम से कम फोर फाइव एग्जांपल्स ऑफ फाइटो करने हैं सपोज जैसे ये आइसो कॉमेरिन आइसो का इस नाम है फाइटो का होस्ट क्या है इसका डॉकस कैरोटा और उसके बाद ये पैथोजन क्या है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ओके okay, तो इस तरह से आपको ये लर्न करना है होस्ट क्या है पैथोजन क्या है और फाइटो का नाम क्या है तो आपको एटलीस्ट फाइव फाइटो को आप विद एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए

In resistant varieties of bean, entry of pathogen causes separation of methyl group from methylated pactic substance and forms polyvalent um, cations of pactic salt which contain calcium. दिस कैल्शियम आयन्स एक्ूमेलेट इन टू द इन्फेक्टेड एज वेल एज नेबरिंग हेल्थी टिश्यूज़ डी एफ ओर पैथोजन फेल्स डिसइंटीग्रेट मिडिल लैमिला बाई इट्स पॉल पॉलीगेलेक्टोरइज इन्जाइम ओके तो ये ये पूरा सिस्टम है कि किस तरह से कैल्शियम जो होता है कैल्शियम आयन्स बनते हैं और फिर वो इन्फेक्टेड सेल्स और आस पास उन पर डिपॉजिट हो जाते हैं जिससे कि पैथोजन बिडिलेमेला को ब्रेक करके अंदर एंटर नहीं हो पाता है नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैथोजन टॉक्सिंस एंड एंजाइम्स इन सम केसेस प्लांट प्रोड्यूस सच केमिकल्स दैट डिटॉक्सिफाई टॉक्सिन्स एंड एंजाइम्स ऑफ द पैथोजन अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि पैथोजन के टॉक्सिन्स को क्या करते हैं डिटॉक्सीफाई कर देते हैं एग्जाम्पल पायरिकुलेरिया और राइजे दैट कॉजेज ब्लास्ट डिजीज इन राइस प्लांट

toxins like fusaric acid secreted by the wilt pathogen of cotton and tomato fusarium which is converted into non-toxic and methyl fusaric acid that means the detoxifying toxins and detoxify the host then comes the similarly toxic enzymes of pathogens are detoxified by the phenolic compounds of host tactonolytic enzymes produced by the pathogen is ये ना ऑन साइड एप्पल होस्ट इज इनएक्टिवेटेड बाय द फिनोलिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसके कि किस तरह से जो टॉक्सिन्स और एंजाइम्स हैं उनको डिटॉक्सीफाई करता है होस्ट नौ बायोकेमिकल केमिकल ऑल्टरेशंस due to infection of pathogen brings biochemical changes uh, in the host which are toxic to pathogenic microbes and causes resistance to pathogen there are new enzymes and other compounds are produced and accumulated in higher concentrations this also brings resistance in plant host thank you so much